भारत के युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल के वक्त से ही, जब से उनको आईपीएल में मौका मिला है तब से वो खूब चर्चा में हैं। आईपीएल सेंसेशन बने ऋतुराज गायकवाड़ को टीम इंडिया में मौका मिला और तब से फैंस को बहुत उम्मीद है ऋतुराज गायकवाड़ से। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनको मौका मिला घरेलू टी20 सीरीज में, लेकिन एक उनकी पारी छोड़ दें जहां पर उन्होंने काफ़ी धुआंधार 50 बनाई थी, उसके अलावा उनका जो प्रदर्शन था वो लचर ही रहा, काफ़ी संघर्ष करते हुए दिखाई दिए। तो उसके बाद से उनकी जो जगह है टीम में उस पर तो सवाल पहले से ही काफ़ी प्री मेच्योरली हम कहेंगे कि खड़े होने लगे, लेकिन अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके बाद से वो आलोचना का एक पात्र बन गए हैं। आपको बता दें रविवार को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला बेंगलुरु में बारिश की भेंट चढ़ गया। इस मुकाबले में पहले जैसे ही बल्लेबाज और फील्डर्स मैदान पर पहुंचे बारिश ने दस्तक दे दी। उसी वक्त का एक वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बारिश के कारण मैच रुका हुआ है, खिलाड़ी डगआउट में बैठे हुए बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं। डगआउट में सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ अपने एक टीममेट के साथ बैठे हुए नजर आते हैं। इस बीच एक ग्राउंड स्टाफ जो है, ग्राउंड मैन जो है, वहां उनके साथ सेल्फी खींचने के लिए आ जाता है, उनके बगल में बैठ जाता है। ऋतुराज ग्राउंड स्टाफ को हल्का सा धक्का सा मारते हैं और उन्हें दूर बैठने को कहते हैं और बार बार ये देखने को मिल रहा है, वो कोशिश करता है, जो ग्राउंड स्टाफ है वो कोशिश कर रहा है कि उनसे सेल्फी ले ले, लेकिन ऋतुराज उनको बार बार जो है इस तरह का एक एटीट्यूड दिखाते हैं जो कि फैंस को बिल्कुल भी राज नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है और इसे लेकर ऋतुराज गायकवाड़ की काफ़ी ज़्यादा आलोचना की जा रही है। अब देखिए, गायकवाड़ ने पूरी सीरीज में रन बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया, 5 मैचों में केवल 96 रन ही बनाए हैं उन्होंने। गायकवाड़ फैंस को अपने बल्लेबाजी से प्रभावित करने में तो नाकाम रहे ही, आखिरी मैच के दौरान ये जो वीडियो है ग्राउंड स्टाफ के साथ जो उनका बर्ताव है उसको लेकर भी फैंस जो है उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बता दें कि फैंस को ये जो बिहेवियर है उनको बिल्कुल रास नहीं आ रहा है, बहुत लोग इसको अपमानजनक बता रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जो ग्राउंड स्टाफ होते हैं वो काफ़ी मेहनत करते हैं ग्राउंड पे, अनसंग हीरोज़ हैं ये, वो लोग हैं जो जिनके बारे में कभी बात नहीं होती लेकिन ये बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, और इस तरह से बर्ताव करना बिल्कुल भी एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को शोभा नहीं देता है। कुछ और क्लिपिंग्स भी हैं, कुछ फ़ोटोज़ भी हैं जहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा की तस्वीरें हैं जो कि वायरल की जा रही हैं कि वो किस तरह से बर्ताव करते हैं ग्राउंड स्टाफ के साथ, किस तरह से बड़े प्यार से उनको ट्रीट करते हैं, उनके साथ सेल्फीज खिंचाते हैं। वहीं गायकवाड़ जो है अभी उनका करियर शुरू ही हुआ है, वो इस तरह के नखरे कर रहे हैं ऐसा फैंस का कहना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ऋतुराज गायकवाड़ को काफ़ी डिफेंड भी कर रहे हैं ये कह के कि कोविड प्रोटोकॉल है। अब देखिए, कोविड प्रोटोकॉल ये भी कहता है कि जो ग्राउंड स्टाफ है उनकी भी टेस्टिंग होती है, वो नेगेटिव होते तभी उनको एंट्री मिलती है ग्राउंड में, तो ऐसे में इतना ज़्यादा फंसी होने की ज़रूरत नहीं थी। जिस तरह के बर्ताव वो कर रहे हैं गायकवाड़, वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है और बिल्कुल भी वाजिब नहीं है ये कहा जा रहा है। खैर, आप क्या मानते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ ने जिस तरह का बर्ताव किया वो उचित नहीं था, ये बदतमीज़ी थी, ये बदसलूकी थी, या आपको लगता है कि वो सिर्फ कॉशियस हो रहे थे, वो अपना ध्यान रख रहे थे, क्योंकि कई बार बायो बबल में भी ऐसे बार हुआ है कि खिलाड़ी जो है वो कोविड पॉजिटिव हो गए और ऋतुराज गायकवाड़ खुद जो है कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं और एक नया खिलाड़ी जो है वो कोशिश करेगा उसको जितने भी मौके मिले उनका वो भरपूर फायदा उठाए, ना कि टीम से किसी भी कारण बाहर बैठे।